जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग दो ही क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। देखिए, यदि फर्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर्स एज्यूम करेंगे। तो लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। इसके नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंस मीन्स माइनस, तो कोई एक बड़ा होगा, एक्स को मान लेते हैं कि बड़ा है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। और यहाँ पे सपोज लेट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं। फिर और एक इक्वेशन बन सकता है कि वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, मीन्स वन नंबर जो है, जो बड़ा नंबर होगा वही थ्री टाइम्स द अदर होगा। तो एक्स को हमने माना है, तो हम लोग एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे थ्री टाइम्स किसके होगा, वाई के, दैट इज एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई होगा। थ्री टाइम्स मीन्स थ्री इंटू वाई। तो यहाँ पे अगर 3y को हम लोग इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस विल बी x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो यहाँ ऑलरेडी हमें x इज इक्वल टू 3y दिया हुआ है, तो फिर से इसको दूसरे टर्म्स में लाने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली इसको इस इक्वेशन से ये आया है, तो हम लोग इसको दूसरे इक्वेशन यानी x माइनस वाई के वैल्यू में इक्वेशन में फुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू है, तो यहाँ 3y लिख सकते हैं, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, देयरफॉर 2y यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 26, देयरफॉर y इज इक्वल टू 26 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6, यानी 30 हो गया। ये 13 आया y का वैल्यू, y जो है स्मॉलर नंबर है, और x का वैल्यू हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं फिर, तो x इज इक्वल टू 3y है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39 हो जाता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू ये है 13। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो जो हम लोग पहले से जानते हैं वो है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री का। ये हम लोग को याद रखना चाहिए जो पढ़े हुए चीजें हैं। और यहाँ हम लोगों को दिया है कि लार्जर एक्सिस 18 डिग्री, तो हमें यहाँ पे स्मॉलर को एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट द स्मॉलर एंगल भी लिखते हैं यहाँ पे, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स एंड द लार्जर बी वाई एंगल बी वाई। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू है एक्स प्लस 18। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए सब लोगों को कि हम लोगों को यहाँ प्लस करना है। क्वेश्चन से कई बार कंफ्यूजन हो जाती कि एक सीट्स है तो प्लस करना है कि, तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा और उसके अनुसार ही इक्वेशन बनाइएगा, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। तो y इज इक्वल टू हो गया x प्लस 18 डिग्री, दो इक्वेशंस बनाना, तो एक आपका ये इक्वेशन बन जाएगा, ये हम लोग y को इधर ले जाएंगे और 18 को इस तरफ, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। देखिए 18 को हम लोग इस तरफ ले आए हैं और y को हम लोग इस तरफ ले आए हैं। इसको एक लाइन आप और भी लिख सकते हो ऐसे करके कि 18 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एंड देन ये पूरा को हम लोग होल को इस तरफ ले आए हैं एंड फिर ये 18 को पूरा को इस तरफ ले जाके लिखे, तो ये एक इक्वेशन बनता है। और दूसरा इक्वेशन और एक बनाना है, तो वो हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है, तो दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो इक्वेशन बन जाता है। अब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना, तो वी ऑलरेडी हैव दिस y इज इक्वल टू गिवन। आप चाहे तो इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल के x की जगह भी पुट कर सकते हैं, बट हम लोग y को यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन किस में का है, ये इस इक्वेशन का है, तो हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में मतलब इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ y का वैल्यू हम लोग x के टर्म्स में लिखेंगे, तो x प्लस
y है x प्लस 18, देयरफॉर x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 और x इज इक्वल टू, यहां से पहले माइनस कर लेते हैं, 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, यहाँ 7 रह गया है, 7 में से 1 जाएगा 6 होगा एंड ये 1 जो है यहाँ पे रह जाता है तो, और यहाँ से जो 2x है वो हम लोग उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 162 बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 28 जो 16 एंड 21 जो 281 हो रहा है। x हम लोगों ने माना था स्मॉलर नंबर को मीन्स एंगल को, तो y इज इक्वल टू है x प्लस 18 तो दिस विल बी इक्वल टू 81 प्लस 18 विच विल बी इक्वल टू 8 और 1 होता है 9 एंड 8 और 1 होता है 9। द टू एंगल्स आर देन, टू एंगल्स आर 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बॉल्स एंड 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर ही बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच बॉल एंड इच बैट एंड इच बॉल। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ, हम लोग को इच बैट और इच बॉल का कॉस्ट निकालना है, तो एक बॉल का कॉस्ट क्या है पहले ये एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल वन बैट इज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई। देयरफॉर पहले जैसे दिया हुआ है कि 7 बैट्स 7x 7 टाइम्स होगा जो भी कॉस्ट होगा उसका, तो 7x प्लस 6 बॉल्स है तो उसका 6 टाइम्स हो जाएगा कॉस्ट 6x 6y बैट है y तो 6y इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज दिया हुआ है 3800 रुपीज 3800 ये एक इक्वेशन बनता है एंड उसी तरह से नेक्स्ट लाइन में है बाद में वो फिर से खरीदती हैं 3 बैट्स तो बैट्स है x देयरफॉर 3x प्लस 5 बॉल्स दैट इज 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज 1750 ये होता है इक्वेशन 2। तो ये दो इक्वेशन बनते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू निकालते हैं तो 6y इज इक्वल टू होता है 3800 माइनस 7x देयरफॉर y इज इक्वल टू होता है 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6 ये हो गया। इसको हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो होगा 3x प्लस 5 y की जगह पूरा वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू पुट करते हैं 3x प्लस 5 और ये वैल्यू है 3800 माइनस 7x बाय 6 इज इक्वल टू है 1750। अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x प्लस 5 इंटू 8 40 का हुआ 0 एंड 5 3 इज 15 15 एंड 4 होता है 19 देयरफॉर 190 एंड ये 00 आता है 00 माइनस फिर 5 से करते हैं 5 7 जो 35 x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1750। अब फिर से हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका 6 है और यहाँ पे 1 है तो 6 होता है 1 से 6 टाइम्स होता है 6 3 जो 18 x प्लस यहाँ 6 1 जो 6 तो सेम वैल्यू आ रहा है 19000 माइनस 35x इज इक्वल टू 1750। अब 6 को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है 18x प्लस 19000 माइनस 35x इज इक्वल टू 1750 इंटू 6। अब हम लोग x के टर्म्स को इसी साइड रखते हुए
18x माइनस है ये, तो माइनस 35x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 60 जा 0 हो गया, 65 जा 30 का 0 हुआ 3, 67 जा 42 और 3 होता हुआ है 45 का 5 4 बचा, 61 जा 6 एंड 4 10500 होता है, एंड 19000 को हम लोग इस तरफ ले आ रहे हैं, तो हुआ माइनस 19000। तो नेक्स्ट में यहाँ पे 35 ज्यादा है तो इसमें से माइनस करते हैं 15 में से, तो 5 कम है इसलिए इधर से कैरी लिए, 15 में से 8 गया, 7 बचता है, एंड यहाँ पे 2 में से 1 जाता है, 1 बचता है, ये माइनस साइन है तो माइनस लिखते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी ये बड़ा है 19000, तो इसमें से माइनस करते हैं, लास्ट 0 0, देन यहाँ से कैरी लेते हैं, 10 में से 5 जाता है 5, देन ये 8 बचता है, यहाँ पे 8 में से 0 होता है 8, एंड देन 1 में से 1, तो 8500 बचता है, ये भी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस को हम लोग प्लस कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 8500/17। 17 का टेबल याद रखिएगा, अदरवाइज डिवीजन करना पड़ेगा, तो 17 से हाउ मेनी टाइम्स 85 विल कम, 5 टाइम्स, 17 1 जा 17, तो 17 5 होता है 500, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा ₹500। एक्स हमने क्या चीज को माना था, बैट को, तो बैट का वैल्यू हो जाता है 500, और वाई के इक्वेशन में हम लोग इसको पुट करेंगे, तो वाई का इक्वेशन हमें क्या मिला था, 3800 - 7x/6, तो इसके वैल्यू हम लोग x के वैल्यू उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, होता है 3800 - 7x/500/6 इज इक्वल टू 3800 - 3500, 75 35, एंड ये 00 है बाई 6 इज इक्वल टू होता है यहाँ 00, एंड 8 में से 5 जाता है 3, 3 में से 3 3, तो ये होता है 300/6, एंड 6 से होता है 65 जा 30 50 रुपीज 50, मतलब बॉल का द प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ बैट, वन बैट इज ₹500, एंड वन बॉल इज ₹50।